पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बुधवार को बादल फट जाने से अफरा तफरी मच गई है। हालांकि प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बादल फटने के संबंध में बताया जा रहा है कि इस घटना उस वक्त हुई है जब अमरनाथ की पवित्र गुफा में कोई भी नहीं था। मालूम हो कि अमरनाथ गुफा के पास SDRF की दो टीमें पहले से ही मौजूद है। इसके बावजूद बादल फटने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने गांदरबल से SDRF की एक टीम को तत्काल रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से सुरक्षा बलों के कैंपों को काफी नुकसान हुआ है। इनमें BSF, CRPF और जम्मू पुलिस के कैंप शामिल है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मालूम हो कि इससे पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी है। NDRF DG SN प्रधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने की अलग अलग घटनाएं हुई है। श्रीनगर और लुधियाना से दो टीमें किश्तवाड़ भेजी गई है। किश्तवाड़ जिले में बुधवार तड़के बादल फटने से करीब 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई। इधर चंबा में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर मौजूद किसी ने बादल फटने की घटना का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बादल फटने का वीडियो वायरल हो रहा है। करीब 2 मिनट के वीडियो क्लिप देखने से स्पष्ट हो रहा है कि बादल फटने के बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल बना है।